Please take a moment to subscribe by pressing the bell icon on the YouTube app to never miss another update from Bolly to Box. सलमान खान और संजय लीला भंसाली की कोलैबोरेशन इंशाल्लाह को लेकर सभी मूवी बफ्स के मन में काफी एक्साइटमेंट थी, लेकिन इस फिल्म की किस्मत में कुछ और ही लिखा था और सलमान ने इस फिल्म से बैकआउट कर दिया। इसके बाद संजय लीला भंसाली ने भी इस फिल्म को पोस्टपोन करने का अनाउंसमेंट कर दिया। वेल, पहले तो फैंस काफी डिसअपॉइंट हुए, लेकिन फिर धीरे धीरे वो इस फिल्म के बारे में भूल गए। पर अब एक बार फिर किंग खान यानी कि शाहरुख खान ने हमें इस फिल्म की याद दिला दी। इतना ही नहीं, उन्होंने तो हिंट भी किया है कि अब वो इस फिल्म को सलमान की जगह खुद करने वाले हैं। जी हाँ, कुछ दिन पहले एक लॉन्च इवेंट के दौरान मीडिया ने किंग खान से उनके अगले प्रोजेक्ट के बारे में पूछा और इस पर उनके जवाब ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं उनकी अगली फिल्म इंशाल्लाह तो नहीं होगी। जी हाँ, टेड टॉक्स इंडिया नई बात 2 के लॉन्च इवेंट पर जब सभी ने शाहरुख से उनकी अगली फिल्म के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, आई एम थिंकिंग एंड टेकिंग माई टाइम, आई एम वर्किंग ऑन 2-3 स्क्रिप्ट्स एंड इंशाल्लाह एज सून एज दे आर रेडी आई विल अनाउंस बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग ऑन इट आर बिजी, सो मैं इंशाल्लाह खुद अनाउंस करूंगा। अब अपने इस एक स्टेटमेंट में इंशाल्लाह पर स्ट्रेस देना एक कोइंसिडेंस है या फिर शब्दों के जाल में फंसकर किंग खान ने डायरेक्टली अपनी अगली फिल्म अनाउंस कर दी है? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें जरूर बताएं।